That dunia martot gas, that pilat pikros, erboze. Ani edina, ta dunia zamzam parshi, ta rota gai widan, te dar da ta sanchi. कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं हूं सो क्विट 1987 और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो क्या ख्याल है आपका इसके बारे में? आपने मुझे लाजम कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देना है। तो इस बंदे की कंडीशन अब आपके सामने है। मेरे पास भी दुकान के ऊपर बहुत से ऐसे बंदे आते हैं, ठीक है, जिनकी मुझे वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं होती। वो इसलिए नहीं वीडियो बनवाते, वो ये सोचते हैं कि यार आप क्या सोचते हैं हमारे बारे में कि हम इतने गंदे हैं, ठीक है, कि आप दुनिया को बताते फिरते रहो। ठीक है, ऐसी वीडियो बनाने का मकसद क्या है? आप भी थोड़ा सोचें ना, आप भी अपने दिमाग के ऊपर थोड़ा सा जो जोर डालें। ठीक है, क्यों नहीं आते हैं? किस वजह से नहीं आते वो सामने? अब उन लोगों ने यकीन करो, दुकान के ऊपर आना होता है तो बहुत सोच समझ के आना होता है। ठीक है, सबसे पहले एक कमरा चाहिए VIP किस्म का, जहाँ पे हम कस्टमर को, ठीक है, लिटा देते हैं, फिर उसके बाद लाइटों से देखते हैं, ठीक है, वे इसको निकालना कैसे, सेम जैसे आप वीडियो जो देख रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। और इतने इतने बंदे गंदे आते हैं, नाक इतना इतना गंदा होता है, गालों के ऊपर इतने इतने ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते हैं ना कि आप सोच नहीं सकते। बाकी मुश्किल क्या होती है, क्योंकि हर बंदे को जो है ना वो वीडियो नहीं बनवानी होती, ठीक है, वो डरते हैं, वो बोलते हैं यार क्या सोचेंगे, दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी, हम इतने अच्छे 2 पीस डालते हैं, 3 पीस डालते हैं, VIP कपड़े डालते हैं और दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी कि हम इतने गंदे हैं। भाई हकीकत तो यही है कि आप गंदे ही हो। जब आपने अपने लिए टाइम नहीं निकालना, ठीक है, जब आपने, ठीक है, अपनी तरफ देखना ही नहीं है कि आप कितने गंदे हो, ठीक है, आपका नाक, आपके कान, ठीक है, शीशा अल्लाह पाक ने आपको दिया हुआ है, ठीक है, अल्लाह पाक ने आपको नियमतें दी हुई हैं, आप फिर भी इनसे महरूम हो जाओ तो फिर वहाँ इसमें हमारा कसूर तो नहीं है। आप हमारे पास तब आते हैं जब पानी जो है ना वो सर से गुजर जाता है, ठीक है। अभी इस बंदे के चेक करें, ठीक है, कितने पुराने होंगे आपके अंदाजे? आपने मुझे एक कमर्स में लाजमी जवाब देना है कि आपको क्या लगता है कि इसके कितने पुराने होंगे? 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, वो आप लोगों ने मुझे कमर्स में दिखना है और मैंने पढ़ूंगा, फिर मुझे पता चलेगा कि आपका जो आपने बताया वो अंदाज़ा सही है कि नहीं, ठीक है। इसको निकालने का भी एक ट्रिक होता है, ठीक है, अभी हर बंदा जो है ना वो घर पर निकालेगा तो भैया दाग बन जाते हैं, इसका एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, वो प्रोसीजर आपने बिल्कुल प्रॉपर सही करेंगे तो फिर बाद में आपकी जल्दी के ऊपर दाग नहीं आएंगे, धब्बे नहीं आएंगे, ठीक है, फिर भी आपने डॉक्टर के पास जाना, तो इससे अच्छा है कि आप सबसे पहले वो बंदा ढूंढें, ठीक है, जो एक काम जानता हो या जिसको इसके बारे में इलम हो, ठीक है। हर बंदे के पास जाके आप बैठ जाते हो, ठीक है यार मुझे ये मसला है, मुझे ये मसला है, ठीक है, वैसे ही वो करने वाला होता है, ठीक है, कि आप बोलता है भाई आपके निकल गए तो आप देखते हैं कि वाकई यार मेरे निकल गए, अब तो मेरी मौजी मौजे हैं, हालांकि ये काम बिल्कुल गलत होता है। सबसे पहले उसका तरीका देखें, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ठीक है, एक प्रोसीजर से, ठीक है, कोई भी काम है एक प्रोसीजर से होता है, ठीक है, वो प्रोसीजर से आप निकलेंगे, तरीके से करेंगे ना तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही होगा, ठीक है। तो आप अरे गहरे के पास जाके ना मत बैठा करें, ठीक है, वो आपकी जल्द के लिए साइड इफेक्ट होगा, आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा, आपके लिए नुकसानदेह होगा। मैं आपको ऐसा क्यों बताता हूँ या क्यों दिखाता हूँ, ठीक है, मैं हालांकि मेरा और भी एक है चैनल, वो हम दो ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, उस पर मैंने दूसरे काम के रिलेटेड वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, और ये मैंने सिर्फ इसी काम के लिए रखा हुआ है, सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए, आप लोग को समझाने के लिए कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है, अपना ख्याल रखा करें, अपने चेहरे का ख्याल रखा करें, ठीक है, शीशा बार बार देखें, कोई ब्लैक हेड्स आ तो नहीं गया, अगर आ गया तो उसको किस तरह रिमूव करना है, रिमूव करने का भी इतना कोई मुश्किल तरीका नहीं होता, बिल्कुल सिंपल सा आसान सा है, ठीक है, आपने एक गर्म टावल लेना है, ठीक है, उसको आपने थोड़ी स्टीम कर लेंगे, उसके बाद आपने अपने नाक के ऊपर या कानों के ऊपर या गालों के ऊपर या कहीं भी आपको ब्लैक हेड्स काले धब्बे नजर आते हैं तो उसके लिए आपने 5 से 10 मिनट के लिए उसको छोड़ देना, जब समझे कि ब्लैक हेड्स बिल्कुल नरम हो जाए, बिल्कुल नरम हो जाए, ठीक है, तो उसके से स्टिक की मदद से जो है ना उसको रिमूव कर दें, ठीक है। कुछ काम होते हैं जैसे वो डॉक्टर मेडिसिन डालता है, कुछ काम ऐसे हमारे होते हैं, अभी ये देखें, ठीक है, आपको टीके वाली सुई लगती है, हकीकत में वही है, मजाक था ये, ठीक है, कुछ काम इसकी मदद से होते हैं, ठीक है, अभी सुई का भी बड़ा हिसाब होता है कि जल्द के अंदर ज्यादा ना जाए, ठीक है, दरमियाने सेहत में रखनी होती है कि जो बंदा होता है ना इसको दर्द ना हो, ठीक है, वो तकलीफ बर्दाश्त कर ले, ठीक है, उस हिसाब से काम होता है। तो मेरा सिर्फ मकसद आप लोगों को बताने का या दिखाने का सिर्फ यही होता है कि थोड़ा जो है ना वो अपना ख्याल रखा करें, अपना ख्याल रखा करेंगे तो यकीन करो आप दिखने में भी खूबसूरत लगेंगे। ऐसी वीडियो मैं बनाता नहीं, दिल नहीं करता, बाकी आप लोग मजबूर करते हैं, ठीक है, आप लोग जो है कमेंट्स ऐसे ऐसे कर देते हैं, ठीक है, भाई हमें और चाहिए, भाई हमें और चाहिए, यकीन करो इतने बंदे, अगर हर बंदा ये आके मुझे बोल देना कि भाई आप जो है हमारी वीडियो ले लो, ठीक है, तो यकीन करो कि मैं हर 20 मिनट के बाद जो है ना वो इसकी वीडियो अपलोड कर दूँ। बाकी क्या है, कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि वो फेस कैम नहीं कर सकते, बोलते नहीं यार प्लीज़
तो ये पूरे रिमूव कर दे, बाकी ये है कि पैसे और ले ले, ठीक है। बाकी जो हमारा चेहरा है ना, वो लोगों को मत दिखा कि हम इतने गंदे हैं, ठीक है। मानना कि हमारे पास काम है, हर चीज़ है, हमारे पास सिर्फ टाइम नहीं होता। और सर वो टाइम फाड़ में जाए जब आपने अपना ख्याल नहीं रखना या अपने चेहरे का ख्याल नहीं रखना, ठीक है। वो पैसा भी किस काम का, पैसा बंदा किस लिए कमाता है, सिर्फ इसलिए कि थोड़ा आराम मिल जाए, ठीक है। जब आपने आराम ही आराम को इतनी तकलीफ दे देनी है कर 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 करके काम, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है। बाद में आपकी ऐसी कंडीशन आ जाती है, फिर आप दुनिया से मुँह छुपाते फिरते रहते हैं कि यार बंदा मेरी वीडियो ना बनाए, लोगों को पता ना चले, ठीक है। अभी इसके आपको कुछ नज़र आया कि बंदा कौन है या कौन नहीं है, ठीक है। क्या पूरा जितना भी काम है वो खुफिया करते हैं, ठीक है, कि किसी को ये मत दिखाना कि यार या बिलफर्ज करो आप, ये बंदा कहीं घूमता है या फिरता है, आपके जहन में आएगा यार इसको मैंने यूट्यूब पे देखा हुआ था, ये इसको तो बहुत ब्लैक हिट से, ये तो बहुत गंदा था। तो इसलिए हर बंदा जो है ना वो अपनी इज्जत से डरता है कि लोगों को ना पता चले, लोग 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 ऐसा लफ्ज है ना, लोग लोग, बस यही जो है ना मुश्किल कर देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट हैं, ठीक है, कि जो डरते हैं, डरते सिर्फ इस वजह से नहीं है, ठीक है, डरते वो सिर्फ आप लोगों से हैं, ठीक है। आप लोग नीचे बैड कमेंट्स लिखेंगे, गलत बातें करेंगे, फिर वो इन चीज़ों से डरते हैं, फिर कन्फ्यूज हो जाते हैं, और फिर जो है ना वो सामने नहीं आ सकते, फिर वो आपको जवाब नहीं दे पाते हैं, ठीक है। वो बोलेंगे क्या यार तुमने क्यों ऐसा काम किया, अब लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो मेरा बताने का या दिखाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि आप अपना ख्याल रखा करें, ठीक है, बहुत सारा ज़्यादा ख्याल रखा करें, थोड़ा अपने ऊपर भी टाइम दिया करें, थोड़ा देख लिया करें कि मुझे क्या मसला है या मैं कहाँ पर फंसा हुआ हूँ, ठीक है, या मुझे यार ये मसला हो रहा है। या तो आप डॉक्टर के पास चले जाएं, डॉक्टर के पास नहीं है तो या फिर आप वो बंदा ढूंढें जो इस चीज़ में प्रोफेशनल हो, ठीक है। हाड़ी साड़ी ये बंदे का काम नहीं है, अभी हाड़ी साड़ी का तो आपको पता नहीं चला होगा कि वो मैंने क्या बोला, ठीक है, कि आपने अनाड़ी बंदे के पास नहीं जाना जिसको इस फील्ड का पता ना हो, ठीक है। और जिस दिन मेरे पास भी मैं भी यही काम करता हूँ, ठीक है, और जिस दिन मेरे पास हालांकि मैंने बहुत से बंदों को बोला कि यार प्लीज़ 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 कैन आई विल टेक यू विद यू, नो 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 फ्रेंड नो फ्रेंड प्लीज़ 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 आफ्टर मी, टू मच प्रॉब्लम, ठीक है। ये लोग ऐसा बोलते हैं, अरबी लोग ऐसा बोलते हैं, ना ना अहमद प्लीज़ माई सभी अगर मैंने खराब भेजी दुनिया शुगत लग निशान, ठीक हो गया। तो बताने का दिखाने का मकसद ये है कि अपना ख्याल रखा करें, बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, ठीक है, आपके सामने ही है जो कुछ भी किया, ठीक है, और जो भी मैंने आपको बात बताई, अगर आप इन चीज़ों पर अमल करते हैं तो भैया ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं है, अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर रही ज़िंदगी, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको बाद में मिलूंगा, ठीक है, एक नई वीडियो के साथ। तो फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही है, ठीक है, अपने भाई को दें इजाज़त, तो मिलेंगे इंशाल्लाह आपको 4-5 दिन के बाद अगर अल्लाह ने ज़िंदगी रखी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में। तो ओके जी, बाय बाय, हयकल्ला भाई तस्लम आल हबीबी अल्लाह हाफिज़कुम कामल हक नास, ओके भाई, तमाम। Yes, I know this looks like custard, but trust me when I tell you that it isn't. Not only was her hoof infected, so was her leg. As I lifted it, her leg couldn't take the pressure, and it literally exploded in a fountain of custard-like pus. We're not actually here to fix that though. That is beyond my jurisdiction. Here is what we're looking at. Her hoof is completely engulfed with infection. A thick custard-like goo comes out of it as I press it. I need to make sure I expel as much of this pus from the cavity within as I possibly can. Once that's done, I glued 2 polyurethane blocks to her good claw to raise up the sore one up off the ground to hopefully give her as much pain relief as possible. This is first aid for cows, if you like. All I'm doing is making sure she's more comfortable until she can see the vet, which she did the very next day. Ow! That one hurt. Yeah. Ooh, Dad, you're doing great. Ooh. There it is. That's so gross. Oh my god. Ew. Oh my god, that's disgusting. I'm so sorry. This is everything you dreamed it would be. Ew. Oh, we got like the sack coming out. Oh yeah. Ew, Mom. Sack. Mm-hmm. That's so disgusting. Oh my god. Does that hurt? Yeah. Oh, I saw my finger. Ew. Well, what do you expect? Aren't you wearing gloves? Yeah, I'm wearing gloves. What's the problem? Oh my god. No, I'm closing my eyes. I can't watch. Are you focusing any on me? Yeah. Ew. I'm so sorry, Dad. You have to take the sound out of this video. Oh, don't they put music in those videos you watch? Oh my gosh, this is amazing! I'm so disgusting! Oh, sorry. That's okay.
is so gross. Mom, how do you... This is incredible. It is disgusting. How hard is the stuff coming out? Well, so the sack itself is really tough, like tougher than I thought it would be. There's stuff inside of it. I know, that's... Ow! I'm sorry. Oh, that's disgusting. Oh, my God. By 2016, the rate of men dying from fentanyl overdoses was nearly 3 times that of women. And while there were increases... Oh, oh, oh yeah. Ew, oh, ew, ew. Stop, ew. In all age groups, the largest rate increases were on the between... ages 15 and 34. That's it. We got it. That was all. Oh!